मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को गुरुग्राम को कई सौगातें दी। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने गुड़गांव के ओल्ड दिल्ली रोड को 6 लेन बनाने के लिए आधारशिला रखी तो गुड़गांव के विकास के लिए विधायक के खाते में 20 करोड़ रुपए भी दिए। गुड़गांव में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद रविवार की शाम को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने भी शिरकत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साइबर सिटी गुड़गांव को दिल खोलकर करोड़ों की सौगात दी। इनमें गुड़गांव के ओल्ड दिल्ली रोड को 6 लेन बनाने की आधारशिला रखी गई, जिस पर करीब 34 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने गुड़गांव के विकास के लिए विधायक के खाते में 20 करोड़ रुपए भी दिए। इसके अंदर एक लड़कियों का कॉलेज भी है, जिसके अंदर यहाँ के कुछ सड़कों का विषय भी है, कुछ सामुदायिक केंद्र है। एक सड़क का आज ही शिलान्यास किया गया है, जो ओल्ड दिल्ली रोड है, यानी बस अड्डे से लेकर डुंडा हेड़ा तक की जो सड़क है, जिसका 36 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, उसका शिलान्यास भी किया गया है। इस मौके पर गुड़गांव की सड़कों पर एक बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली में कई लोग बिना हेलमेट के भी मोटरसाइकिल चलाते दिखाई दिए। जब इस बारे में मुख्यमंत्री से बात की गई, तो उन्होंने बाइक्स की स्पीड का हवाला देते हुए इसे मामूली बात करार दिया। लगाई जानी चाहिए थे, हेलमेट लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन वो एक प्रदर्शनात्मक है, वो कोई रेसिंग मोटरसाइकिल की रेस नहीं थी, वो एक प्रदर्शन के लिए ही की गई है। और प्रदर्शन का जो इस प्रकार की रैली होती है, वो बहुत एक स्लो स्पीड पर होती है, और उसमें इस प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। वो 10 किलोमीटर की स्पीड से वो आए, साइकिल से भी कम स्पीड से, इसलिए उस पर बहुत ऐसा विचार करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ने शहर के वासियों के लिए सौगातों का ऐलान किया, तो लोगों को अपनी मांगे पूरी होने की उम्मीद दिखाई दी। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव।